ओके सो हम लोग के चैप्टर नंबर 11 पे एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। ठीक है, अब सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि हमको पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ मिरर। तो हमको पता है ओके प्लेन मिरर क्या होता है। तो सिंपल है, जस्ट एक ग्लास का शीट है और उसके पीछे कोटिंग है, राइट। ओके सो कोटिंग है, ओके कोटिंग द बैक सरफेस ऑफ अ फ्लैट एंड स्मूथ ग्लास पीस विद अ थिन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। ओके ये किससे बना हुआ है? एक रिफ्लेक्टिंग फिल्म है। ओके किससे बना हुआ? ये भी तो एल्यूमिनियम हो सकता है या सिल्वर हो सकता है, राइट। तो ये काय के लिए लगा के रखा है हम लोग ने? ताकि इसके पार यहां से अगर लाइट रे आए तो ऐसे करके हम तक आए, तो रिफ्लेक्टिंग फिल्म है। टू प्रोटेक्ट द रिफ्लेक्टिंग फिल्म हम लोग यहाँ पे कोटिंग कर लेते हैं। ओके एक ओपेक कोटिंग हम लोग कर लेते हैं टू मेक इट ओपेक। अनदर कोट ऑफ सब्सटेंस लाइक लेड ऑक्साइड से बनता है ये, तो लेड ऑक्साइड का ये कर दिया। तो ये जो भी सेटअप है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर है। यही वाला अगर प्लेन मिरर कितने हाइट का होना चाहिए सो दैट मेरा पूरा हाइट इसमें दिखाई दे, तो हम लोग को पता है कि अगर सपोज मेरा हाइट है 6 फीट तो बराबर इसका हाफ, ओके मेरे हाइट का हाफ 3 फीट का अगर मैंने मिरर ले लिया तो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई दूंगा। द रीजन बीइंग के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे काम करता है। ओके इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में इक्वल इक्वल एंगल्स बनते हैं, ये तुमको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो मेरा ये मुंडी है तो मेरे को दिखाई देगा, ये मेरा तंगड़ी है मेरे को दिखाई देगा, कुछ नहीं। ओके छोटे से इसमें मेरे को दिख सकता है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा इसमें एक फॉर्मूला है कि अगर हम लोग ने दो मिरर ऐसे रख लिए और यहाँ पे कुछ तो भी एक एंगल बना लिया, राइट। सपोज एंगल है ए, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी एक चीज ले लू तो इसके कितने रिफ्लेक्शंस दिखेंगे। तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन दैट एंगल माइनस वन। सो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो मेरे को कितने इमेजेस दिखेंगे इस आदमी के, तो 360 डिग्री अपॉन 30 डिग्री माइनस वन, 0 0 कट, ये 3 1 3 2 12 माइनस वन 11 इमेजेस मेरे को दिखेंगे। ओके तो एक ऐसा ये है। देन नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट इस लेसन में क्या है कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेरे पास स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, राइट। मेरे पास स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, एक मेरे पास कॉनकेव मिरर होता है, एक मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? सो अगर सपोज मेरे पास कोई सर्कल है, स्पीयर है, ओके इस स्पीयर का मैंने कुछ एक पार्ट ले लिया, ठीक है, एक पार्ट ले लिया, मतलब मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट लिया इसमें, बाकी सब कट करके फेंक दिया, ठीक है। सो मैं अगर इतना ही पार्ट किसी स्पीयर का ले रहा हूं और बाहर के साइड मैंने डाल दिया कोटिंग और अंदर के साइड मैंने कर लिया पॉलिशिंग, सो इंटरनल सरफेस पॉलिश्ड एक्सटर्नल कोटेड, ओके तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ये कॉनकेव मिरर मिल जाएगा मेरे को, ये कॉनकेव मिल जाएगा। और अगर इसका उल्टा किया रहता मैंने कि अगर अंदर के साइड करता मैं कोटिंग और बाहर के साइड में रखता रिफ्लेक्टिंग वाला ऐसे, राइट, तो ये जो मेरे को मिलता वो होता कॉन्वेक्स मिरर। सो मेरे पास है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो ऐसे मेरे पास दो टाइप के मिरर्स है। अगर मेरे पास ऐसा टाइप का मिरर्स है और एक स्पीयर से ही लिया गया है तो एक स्पीयर का कुछ तो भी एक सेंटर रहेगा, उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्पीयर का कुछ रेडियस रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर मेनी अदर टर्म्स, तो उसमें से क्या क्या चीजें हैं तो अपन देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक मिरर है और यहाँ पे मैंने किया है कोटिंग, तो ये साइड कोटिंग है मतलब ये 100% कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे सी रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ द स्पीयर, उस स्पीयर का सेंटर जिसका पार्ट हमारा मिरर है, द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच आर मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। और यहां से यहां तक जो भी लाइन रहेगा ऑफ कोर्स ये रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रेज आर गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट रेज इसे पैरेलल जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर,
तो वो टकराने के बाद है ना कहीं तो एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, राइट? ठीक है, अच्छा ये सब हो गया, तो प्रिंसिपल फोकस हो गया। फोकल लेंथ क्या होता है? कि प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया मेरा फोकल लेंथ। अब ये देखा गया है कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का हाफ होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 है, तो 12/2 = 6 सेंटीमीटर। ओके, ये वाली इसमें याद रखना है कि सारे डेफिनेशंस पढ़ने हैं तुमको, पेज नंबर 119 के डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट, तो ये एकदम अच्छे से रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट वाले इस पे कि हम लोग रिफ्लेक्टेड रेस कैसे बनाएंगे। ओके, तो कुछ रूल्स रहेगा उसका, बिना रूल्स के तो कुछ रिफ्लेक्टेड रेस नहीं बन सकता, ठीक है? तो देर आर सम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम लोग देख लेते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो पहला रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दैट अगर मेरे पास इंसिडेंट रे, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, क्यों? क्योंकि ये होगा पोल, ये होगा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई स्ट्रेट पैरेलल लाइन जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, ओके, सो इफ द लाइन इज पैरेलल, इंसिडेंट रे इज पैरेलल, देन आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड वो फोकस से पास होगा। ये रूल नंबर वन। रूल नंबर टू क्या बोलता है कि अगर फोकस से कोई लाइन जा रही है तो वो पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर थ्री क्या बोलता है, दैट कोई लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो टकराने के बाद वो वापस से अनडिविएटेड विदाउट गोइंग हियर एंड देयर, इट ट्रेसेस बैक द सेम पाथ, वापस से वो उसी लाइन पे आएगी। ये तीन रूल अगर मुझे पता है तो मैं रे डायग्राम्स बना सकता हूँ। तो ये तीन रूल्स जो है पेज नंबर 120 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें से भी हो सकता है कि क्या बनेगा। उसके बाद है सीधे सीधे के कितने इमेजेस, टाइप ऑफ इमेजेस बन सकते हैं कॉनकेव मिरर से, ठीक है? तो अपन देख लेते हैं, तो कितने टाइप के इमेजेस बन सकते हैं। अब ये सारे के सारे रे डायग्राम 2 मार्क के। ओके, सो पहला देखते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास ये हमने बनाया एक प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, फिर हमने बनाया एक आर्क, ठीक है, जो कि एक्चुअली है मेरे मिरर का काम कर रहा है। ये कितना बना सकते हैं हम लोग, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं रखूंगा 4 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस में 4 सेंटीमीटर लेके एक आर्क ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे कर दूंगा मैं पोल, ये होगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर 2 सेंटीमीटर पे मैं डाल दूंगा फोकस, ठीक है? सो अब ड्रॉ क्या करेंगे हम लोग, इफ देयर इज लाइट कमिंग फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस इंफिनिटी से, अगर लाइट रे आ रही है तो चलो इंफिनिटी से लाइट रेज आने दो, तो ये हो गई हमारी एक लाइट रे, ये हो गई हमारी दूसरी लाइट रे। तो अगर ये इंफिनिटी से आ रही है लाइट रे, ओके, तो टकराने के बाद वो कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी। ओके, सो इट मींस व्हाट, इट मींस दैट अगर कोई इंफिनिटी पे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, सपोज ट्री है यहाँ पे, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, सो ये टॉप से लाइट रे गई और बॉटम की तरफ, बॉटम से लाइट रे गई और टॉप की तरफ, तो यहाँ पे मेरे को वो छोटा सा इमेज दिखेगा, राइट? ठीक है, सो कुछ भी हो उसका इमेज मेरे को फोकस पे दिखेगा। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस, एंड कैसा बनेगा वो इमेज, तो वो रहेगा पॉइंट इमेज, बहुत छोटा पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, ओके, वो रहेगा उल्टा, क्योंकि टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप रहेगा इन्वर्टेड, ठीक है? एंड एक्चुअली द लाइट रेज आर मीटिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो फिर इमेजेस जो बनेंगे वो रहेगा रियल इमेज, ठीक है? एक है ना डिस्टिंग्विश आ सकता है यहाँ पे 2 मार्क का, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज, तो ये आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज, तो ये पूछ सकता है कि वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय एक्चुअली मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, वर्चुअल इमेजेस में रिफ्लेक्टेड रेज डजंट मीट, दे सीम टू मीट, ऐसा लगता है कि मीट कर रही है बट होता नहीं है, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट, ठीक है? सो ऐसा सब लिख सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं। सपोज मेरे पास फिर से है ये प्रिंसिपल एक्सिस,
और मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर, 4 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रॉ करेंगे, 2 सेंटीमीटर पे फोकस लेंगे और फिर उसके बाद अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है। अब इसमें से लाइट रे, 2 लाइट रे पार करेंगे हम लोग। एक होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से मीट करेगा और निकलेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। ओके, याद रखो रे डायग्राम में अगर रे नहीं है तो फिर तुम्हारे डायग्राम को अंडा मार्क से कुछ नहीं मिलेगा। एंड दूसरा वाला हम लोग डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगा, ट्रेसेस बैक द सेम पाथ। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी तो इमेज किधर बन रहा है, यहाँ पे। सो ए डैश बी डैश, तो इमेज कैसा बना, इमेज बना स्मॉल, राइट। ऑब्जेक्ट अगर रहेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज किधर बना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। कैसा है, डिमिनिश, छोटा है। अगेन कैसा है, इन्वर्टेड। अगेन कैसा है, रियल। थर्ड हम लोग बनाते हैं, सो चलो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपन। सपोज ये है प्रिंसिपल एक्सिस एंड फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे एफ। अब मान के चलो कि अब ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सपोज। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें से लाइंस कैसे ड्रॉ करूं मैं। एक रहेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो तुम्हारे फोकस से निकलेगा, दूसरा होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे जाएगा लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो जाएगा फोकस से, फोकस से जाएगा तो पैरेलल आएगा। और यहां पे बन गया अपना इमेज जहां पे मीट करेगा, ठीक है। सो अगर ऑब्जेक्ट है ए बी तो इमेज बनेगा ए डैश बी डैश यहाँ पे रेज, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेम साइज का होगा, इन्वर्टेड होगा एंड रियल होगा। ओके, देन नेक्स्ट वाला कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा तो क्या होगा, फिर हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये होगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा पोल, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर हाफ में फोकस, मतलब 2 सेंटीमीटर के बाद फोकस। एंड ऑब्जेक्ट को इस बार रखेंगे हम लोग बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से एक लाइट रे जाएगी स्ट्रेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आएगी वो फोकस से, दूसरी लाइट रे जाएगी कहां से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो मेरे को अपना लेंस बड़ा करना पड़ेगा भाई, लेंस छोटा हो गया, वो लेंस को बड़ा कर दिया हमने। अब ये जैसे ही ऊपर टकराएगी ऐसे ही नीचे आएगी, राइट। तो वी हैव टू एलोंगेट दिस, वी अगेन नीड टू एलोंगेट दिस, और जहां पे भी इसने मीट किया वहां पे बन गया मेरा इमेज। सो अगर ये है ए बी ऑब्जेक्ट तो ये होगा ए डैश बी डैश इमेज। इस बार देखेंगे तो इमेज बड़ा हो गया, इमेज जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जा रहा है ना बड़ा हो रहा है, ठीक है। सो इमेज अगर ऑब्जेक्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस तो इमेज किधर बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम देखोगे तो ये सेकंड वाले का उल्टा हो गया, देखो
बियॉन्ड सी था तो सी एफ था, अब देखो इधर सी एफ है तो इधर बियॉन्ड सी आया। कैसा दिख रहा है ये, तो ये दिख रहा है मैग्निफाइड, बहुत बड़ा है। ओके ये दिख रहा है इन्वर्टेड, ऑफ कोर्स ये दिख रहा है रियल। ओके फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट रहेगा एट फोकस तो क्या बनेगा, तो फिर से वापस वही 4 सेंटीमीटर, ये हो गया पोल, जहां से 4 सेंटीमीटर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखा तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो एक पैरेलल लाइट रे, ओके, जो के फोकस से जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई वापस आएगी। तो तुम देखोगे कि ये है ना एकदम पैरेलल चल रही है, राइट, तो ये इधर मीट नहीं हो सकती। तो वी अज्यूम दैट ये इंफिनिटी पे कहीं तो बहुत दूर कहीं तो मीट होती होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगा इंफिनिटी, ये देखो इसका उल्टा है। ओके यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है। ओके तो ये कैसा दिख रहा है, मैग्निफाइड अगेन, ओके वेरी लार्ज, वेरी लार्ज क्यों सर, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी लाइट है ना, तो ये बहुत दूर जाएगी, बहुत दूर, जितना दूर जाएगी उतने बड़े बनेगी, राइट, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। इन्वर्टेड क्यों सर, क्योंकि टॉप का तो बॉटम में जा रहा है ना, राइट, सो इन्वर्टेड बनेगा। देन नेक्स्ट वाला मैं यहाँ पे बिना मेजरमेंट के ले रहा हूं सारा कुछ, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिविजन, राइट, तो वो टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे अगेन फिर से 4 सेंटीमीटर पे ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने बिटवीन पोल एंड फोकस रखा तब क्या होगा, तो यहाँ पे रखते, तो चलो देखते क्या होगा। ये देख इसका मैंने लेंस ही छीन लिया, जाने दो, जगह बनाओ अभियान। सो पहला रहेगा स्ट्रेट, पैरेलल रहेगा, पैरेलल रहेगा तो ये जाएगा फोकस से। सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ लाइन, तो जाएगा और वापस ऐसी आएगा। तो हमने यहां पे देखा कि लाइंस है ना डाइवर्जिंग है। ओके अब मेरा दिमाग खेलेगा गेम कि अगर मेरे को कोई लाइट रे जैसी डाइवर्जिंग दिखी तो मेरा दिमाग बोलेगा कहीं तो एक पॉइंट से आ रही होगी तभी तो डाइवर्जिंग दिख रही है। डाइवर्जिंग लाइट रे कब आती है, जब किसी एक पॉइंट से आ रही हो, राइट, ठीक है। तो ये मेरा दिमाग अब इसको बैक कैलकुलेट करेगा कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये देखो कहाँ से आ रही है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मीट करेगा। सो ये ए बी अगर है तो यहाँ पे ए डैश बी डैश होगा इमेज, मतलब अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या लगेगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज मेरे को इनसाइड द मिरर दिख रहा है, जैसे प्लेन मिरर में हमको अपना इमेज जो है मिरर के अंदर दिखता है वैसे ही दिखेगा, ठीक है। सो अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज किधर दिख रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे दिख रहा है। ओके कैसा रहेगा, 100% मैग्निफाइड, इरेक्ट, देखो यहां पे चेंज हो गया है, इरेक्ट, और ये होगा वर्चुअल। क्यों सर वर्चुअल, के एक्चुअली द लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर नॉट मीटिंग, ओके दे सीम टू मीट, ऐसा लगता है कि कहीं दूर अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा तुमको प्रैक्टिस करना है, डायग्राम्स 6 डायग्राम्स है, ओके। और कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम कैसा होगा, तो उसका एक ही डायग्राम है, हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रिंसिपल एक्सिस, ओके इस बार यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे और ऐसा उल्टा मारेंगे 4 सेंटीमीटर, ये हमने बना दिया कोटिंग। ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम लोग कहीं पे भी, ठीक है, चलो ये रहेगा पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इधर रहेगा प्रिंसिपल फोकस, राइट, यहां से लाइट रे स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा तो ये डाइवर्जिंग काइंड ऑफ मिरर है, ठीक है। डाइवर्जिंग काइंड ऑफ मिरर है मतलब क्या, तो ये लाइट रे को ना ऐसे फेंकेगा,
ठीक है, बट कोई सामने से देखेगा उसको पता चलेगा कि लाइटर कहीं से तो आ रही है, जहां पे ऐसा लग रहा है कि लाइटर कहीं से तो आ रही है, कहां पे तो टच हो रही है, वो अपना फोकस है। ठीक है, दूसरी लाइटरे किधर जाएगी, दूसरी लाइटरे जाएगी ऐसे स्ट्रेट। हम लोग क्या करेंगे बताए, हम लोग यहाँ पे अपना स्केल रखेंगे और यहाँ पे अपना स्केल रखेंगे ऐसे, ठीक है, और हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से डॉटेड 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 डॉटेड। ठीक है, ये डॉटेड लाइंस मतलब ये एक्चुअल लाइंस नहीं है। ठीक है, तो ये लाइट रे ऐसे जा रही है और ऐसे ही टकरा के वापस आ रही है, ऐसा गिना जाएगा। बट हमारा दिमाग क्या बोलता है, हमारा दिमाग बोलता है फिर से देखो डाइवर्जिंग लाइन से, ये लाइट टकरा के ऐसे आई इस डायरेक्शन में और ये टकरा के इस डायरेक्शन में आई, मतलब किसी तो पॉइंट में मीट होती होगी, तो जहां पे मीट हुआ वहां पे दिखेगा मेरे को इमेज ए डैश बी डैश। तो अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में, यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस प्रिपेयर करना है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में ऑलवेज डिमिनिश्ड, हमेशा छोटा इमेज दिखता है। ठीक है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज दिखता है। ओके, इसमें डिफरेंट साइजेस है, अभी अभी तो देखे डिमिनिश से लेके बड़े से लेके सब, इसमें वर्चुअल भी दिखता है और रियल भी दिखता है, दोनों दिखता है इसमें। ठीक है, और फिर बाद में डेफिनेशन भी हो सकता है कि कॉन्वेक्स मतलब क्या रहता है, कहाँ पे पॉलिश। ओके, इनर सरफेस अगर पॉलिश तो कॉनकेव, आउटर सरफेस पॉलिश या रिफ्लेक्टिंग तो कॉन्वेक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे गिव रीजन भी आता है कि क्यू रेयर व्यू मिरर जो होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो अगर सपोज ये गाड़ी का मिरर है, पीछे का कोई गाड़ी दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है, तो सोचो ये अगर ट्रक होता, ठीक है, तो ये ट्रक का छोटा इमेज मेरे को यहाँ पे दिखता। ओके, तो एक ट्रक है ना, मेरे को छोटा वर्जन दिख रहा है अपने आईने में। ठीक है, तो ये लार्जर व्यू, बड़ा व्यू कवर करता है, ये पहला पॉइंट, बड़ा व्यू कवर करता है, बड़ा एरिया कवर करता है, मेरे को आजू बाजू सारी गाड़ियां दिखेंगी। दूसरा के वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ओके, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है तो फायदा क्या हो गया। ओके, इरेक्ट बनाते तो सीधा ट्रक सीधा ही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा, तो एक फायदा है। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है के एक मिरर पे लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट सीन इन द मिरर आर क्लोजर देन दे सीम, तो हमारा आंख बोलता है कि छोटा दिख रहा है, इट मींस दैट दूर होगा, बट दूर नहीं होता। सो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टाइप ऑफ मिरर ये है। ओके, देन पेज नंबर 125 पे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो हम लोग कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला कि बार्बर शॉप में, डेंटल शॉप में, ठीक है, तो हमने देखा होगा ये ऑलरेडी कि बार्बर शॉप या डेंटल शॉप में कैसा दिखता है। अगर सपोज मेरे पास कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, तो ऑब्जेक्ट को मतलब अपने फेस को, राइट, या डेंटल शॉप अगर है तो अपने दांत को कहाँ पे वो लोग रखेंगे, पोल एंड फोकस के बीच में, सो दैट मेरे को पता है पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज किधर मिलता है, इधर, राइट, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, तो इसी चीज का वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज मिल सके बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है। दूसरा, टॉर्च में, हेडलैम्प में, ठीक है, कहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इस बार वो लोग रखेंगे फोकस पे। ठीक है, तो बल्ब को फोकस पे रखा, सो दैट फोकस से जा रहा है लाइट इधर उधर तो पैरेलल जाएगा, पता है ना, फोकस से जाने वाला लाइट टकरा के पैरेलल चलता है, तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल बी ऑब्टेंड, ये एक हो सकता है। फ्लड लाइट्स जो क्रिकेट के मैदानों में बड़े बड़े जगह पे यूज होता है, फ्लड लाइट्स, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, तो उस लाइट को रखते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ पे। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, तो मुझे पता है कि लाइट अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो उसका इमेज किधर बनने वाला है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इधर, है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग लाइट बनेगी, लेकिन वो लाइट है ना दूर नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी, राइट, ठीक है, तो एकदम ब्राइट
जोन बनेगा, बट लाइट ऐसे फेंकी नहीं जाएगी, जैसे यहाँ पे लाइट को ऐसा आगे फेंका जाता है, तो यहाँ पे लाइट ऐसे ही इधर ही रहेगी। मतलब अगर ये स्टेडियम है और यहाँ पे बहुत सारी फ्लड लाइट्स लगी हुई है, तो सिर्फ स्टेडियम विल बी इल्यूमिनेटेड, नॉट आउटसाइड, इधर इधर किधर लाइट लाइट जाने वाली, राइट? तो सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सो दैट इट गिव्स अ ब्राइट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। देन कॉनकेव मिरर अगेन कहाँ पे यूज हो सकता है, तो भाई हम लोग सोलर रिफ्लेक्टर में यूज कर सकते हैं। यहाँ से लाइट रेज अगर आई तो टकरा के फोकस पे मिलेगी, फोकस पे मैं अगर कुछ भी रखूंगा अपना खाना वगैरह सब, सोलर चिमनी है ना, तो विल कम टुगेदर टू दिस प्लेन, फोकल प्लेन, इट गिव्स इमेंस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। देन नेक्स्ट वाला, कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या प्रयोग हो सकता है, तो बड़े बड़े शॉप्स में यूज होता है, ओके। देन मिरर ऑफ द कार, ये तो पता है, रियर व्यू मिरर जो होता है, ओके, उसमें तो हाई कॉन्वेक्स, अच्छा शॉप्स में यूज होता है और रोड बेंड्स में यूज होता है। अगर सपोज इधर रोड बेंड है तो यहाँ पे है ना कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे, फायदा, तो यहां से जो व्हीकल आ रहा है उसको यहाँ पे दिख जाएगा पूरा ये साइड वाला रोड का एरिया, और यहां से जो व्हीकल आ रहा है, ठीक है, उसको दूसरे साइड वाला दिख जाएगा एकदम क्लियर, ठीक है, बड़ा एरिया कवर करता है। नेक्स्ट वाला इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ओके, व्हाट इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो नॉर्मल टिपिकल अपना ग्राफ वाला सिस्टम है, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये सपोज वाई एक्सिस है, और बीच में है हमारा प्यारा मिरर, ओके, सो ये हम लोग रखेंगे कोटिंग, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस टू द राइट आर टेकन एज पॉजिटिव, ओके, डिस्टेंस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड टू द राइट आर पॉजिटिव, डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेफ्ट साइड आर नेगेटिव, अबाव अप, परपेंडिकुलर एंड अप पॉजिटिव, परपेंडिकुलर एंड डाउन नेगेटिव, ओके, सो इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग वैसे भी लेफ्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, इमेज डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इमेज कभी कभी इधर बनता है ना, तो ये v हो गया, इमेज डिस्टेंस मतलब v, तो ये नेगेटिव है, कभी कभी इमेज इधर भी तो बना था, ओके, वर्चुअल इमेज अगर है मेरे पास, ओके, वर्चुअल इरेक्ट इमेज अगर है, तो इस वाले केस में वी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, वी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। हाइट, व्हाट अबाउट हाइट, हाइट ऑफ द इमेज इज कॉल्ड एज एच टू, तो वर्चुअल के लिए हाइट परपेंडिकुलर अप है तो पॉजिटिव है, बट रियल के लिए, रियल इमेज के लिए देखो H2 नेगेटिव है ना, परपेंडिकुलर एंड डाउन, ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब H1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तुम हमेशा सीधा ही रखोगे। अब इसी में ही लास्ट लाइन क्या है, ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन 2 मार्क का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसन में से बहुत सारा चीज आएगा, ओके, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ये लास्ट पॉइंट है। ऐसा क्यों है कि भाई देखो कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल देखो यहां से लाइट रे अगर आता है तो टकरा के इधर ही फोकस है, तो फोकस लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाले तो नेगेटिव होते हैं ना, ओके, बट कॉन्वेक्स अगर मेरे पास लेंस है तो उसका फोकल लेंथ किधर था, राइट में, तो कॉन्वेक्स वाला मिरर, ठीक है, मैं लेंस बोल दिया गलती से, कॉन्वेक्स वाला मिरर जो होता है उसका फोकल लेंथ राइट में होता है, ऐसे था ना, इधर सी था, इधर एफ था, यहाँ से लाइट रे जाती है तो इधर उधर बिखरती है ना, ठीक है, तो फोकल लेंथ राइट में है तो पॉजिटिव है, और इधर फोकल लेंथ लेफ्ट में है तो नेगेटिव है। इसके अलावा इस चैप्टर में और दूसरा क्या है, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला, ठीक है, सो मिरर फॉर्मूला क्या है, तो भाई सिंपल है, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ये
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब तुमको समझता है ना, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस मतलब वी, एंड फोकल लेंथ। ओके, सो मिरर फॉर्मूला क्या है? इट्स अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? ओके, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या रहता है? रेशियो ऑफ, डेफिनेशन है, डेफिनेशन अच्छे से याद करना है मैग्निफिकेशन का, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज मतलब h2 टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब h1 ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। m इज इक्वल टू ये दो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो तुमको यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स तुमको अलग से है, राइट, ठीक है। तो ये हो गया, क्या आपको समझा?